ये है दिल्ली दर्पण। हादसा है होने के लिए बना है, हादसा हो गया ड्राइवर छोड़ के भाग गया तो सरकार मार देगी, नहीं छोड़ के भाग गया तो पब्लिक मार देगी। कि सरकार ने अंग्रेजों के कानून बदलने की धुन में अचानक ये कानून लेकर के आई, थोड़ा सा भी दिमाग उसने नहीं लगाया। हमारा परिवार पालना है हमें, हम अपने परिवार पालने के लिए यहाँ गाड़ी चलाने आ रहे हैं, जिम्मेदारी लेकर रोड पे चल रहे हैं। हमारे पीछे सवारियों की जिम्मेदारी है, हमारे पीछे हमारे परिवार की जिम्मेदारी है। लेकिन जो ये कानून है इसको बदलने से पहले क्या इस पर चर्चा की गई, क्या थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाया गया? आज थोड़ा है, कल और ज्यादा होगा, परसों तो पूरा ब्लॉक है सब कुछ। सेंटर को हमने दुकाना है, सेंटर को हमने दुकाना है, सिर्फ ये काला कानून पे, काला कानून खत्म करवाना हमने। किसान 1.5 साल बैठे रह गए थे, हम 1.5 साल हम बैठे रहेंगे। इस तरह की दुर्घटनाएं न हो उसके लिए आपने क्या किया? आपने सड़कें ठीक की, आपने ट्रैफिक नियमों को ठीक किया, ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन किया वो ठीक किया। आप जरा किसी भी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में चले जाइए, क्या वो सब ठीक है? अगर सड़क के किसी गड्ढे की वजह से कोई दुर्घटना होती है, सपोज ये एक दोपहिया वाहन है, गड्ढे की वजह से स्लिप करके गिर जाता है और पीछे से जो बस आ रही है वो बस उसको रोन देती है, गलती किसकी है? कानून में ड्राइव की क्या सेफ्टी है सर? ड्राइव की सेफ्टी बताओ, है कुछ सेफ्टी ड्राइवर की? ड्राइवर तो एक्सीडेंट होगा तब भी मरेगा, वैसे तो एक्सीडेंट हो गया तो मर ही गया और वैसे पब्लिक मार देगी। नमस्कार दोस्तों, नए साल पर मोदी सरकार जो नया कानून लेकर के आई है, भारतीय नागरिक संहिता, क्या ये मोदी सरकार के लिए किसान आंदोलन से भी बड़ी चुनौती है? कम से कम देश भर से जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं और जो बुद्धिजीवी चर्चाएं कर रहे हैं वो तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि ये जो नया कानून है, जो ड्राइवरों का जो आंदोलन है और जब इसके साइड इफ़ेक्ट्स निकल के सामने आएंगे तो ये कानून मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा सरदर्द होगा। क्यों? क्योंकि अगर सरकार इसे वापस लेती है तो उसे एक और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, जिस तरह से किसान आंदोलन वापस लेना पड़ा था, 1.5 साल लंबे आंदोलन के बाद सरकार को झुकना पड़ा था और तमाम जो किसानों की बातें थी वो माननी पड़ी थी उनको। हालांकि किसान अभी भी उससे संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन ये जो मौजूदा कानून है जिसमें ये कहा गया है कि जो भी बस चालक, ट्रक ड्राइवर या दोपहिया वाहन या फिर टैक्सी चालक या कार चालक, अगर उससे कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस पर 7 साल की सजा हो सकती है, 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। और ये उस वक्त और बढ़ जाता है जब दुर्घटना में कोई शिकार होता है और उसकी सूचना आप पुलिस को, मजिस्ट्रेट को नहीं देते हैं, घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जा करके उसका इलाज नहीं करवाते हैं या उसको भर्ती नहीं करवाते हैं, तब इसको और भी गंभीर माना जाएगा। जो 7 साल की सजा है वो बढ़ करके 10 साल तक हो जाएगी। और ऊपर से एक और हैरतअंगेज जो कानून है कि अगर उसमें आपकी गलती नहीं भी है, सपोज कीजिए कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अपने लेन में चला रहा है, ठीक चला रहा है और अचानक सामने से डिवाइडर से कूद करके या पटरी की तरफ से कोई कूद करके अचानक उसके सामने आ जाता है और उसकी चपेट में आ जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो उस सूरत में भी आपको 5 साल की सजा हो सकती है। पता नहीं कौन सा दिमाग लगाया उन्होंने सिर्फ इस धुन में कि ये अंग्रेजों के कानून है, इनको बदल डालो। बदल डालना अच्छी बात है, सही बात है, लेकिन कम से कम विशेषज्ञों की शायद चर्चा ली गई हो तो इस तरह के कानून तो कम से कम नहीं बनते। कुछ व्यवहारिक दिमाग तो लगाया जाना ही चाहिए। क्या कानून बनाते समय अमित शाह जी ने यह सोचा था कि ड्राइवर तो हैवान है, बस और ट्रक को लेकर चलता ही इसीलिए है कि उसको किसी न किसी को उड़ाना होता है? अरे भाई, कौन चाहता है कि उसका एक्सीडेंट हो, उसके हाथों से किसी की मौत हो? महज एक दुर्घटना है, हो जाती है और उसके लिए मुआवजे के कई प्रावधान हैं, लेकिन यह कह देना कि उसको 10 साल की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना, अरे भाई कहाँ से देगा वो? 15-20 हज़ार रुपये की तनख्वाह पाने वाला ड्राइवर क्या इतना जुर्माना दे पाएगा? क्या इतनी सजा काटने के बाद उसका जीवन बर्बाद नहीं हो जाएगा? उसका तो छोड़िए, उसके परिवार का जीवन बर्बाद नहीं हो जाएगा, उसके बच्चे कैसे पलेंगे? लेकिन इन सब पहलुओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया,
और सीधा आकर के शायद कोई फिल्म देख करके आए होंगे, हिंदी फिल्म, जिसमें इस तरह की राजनीति में ताबड़तोड़ सख्त फैसले लेकर के वाह वाह बटोरने की कोशिश की जाती है। अब क्योंकि 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस धुन में कि जितने भी पुराने सड़े गले कानून थे उनको बदला जाना चाहिए। हाँ, बहुत सारे कानून हैं जिनको बदला जाना चाहिए, लेकिन जो ये कानून है इसको बदलने से पहले क्या इस पर चर्चा की गई? क्या थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाया गया? ड्राइवरों का डर है कि अगर वो मौके से फरार नहीं होते हैं तो भीड़ उनको मार देगी, और अगर वो भाग जाते हैं तो सरकार उनको मार देगी। तो दोनों ही सूरतों में उनकी मौत तो तय है, उनका जीवन, उनका परिवार तो तबाह है। तो भैया, कोई 15-20 हज़ार रुपये की तनख्वाह के लिए इतना बड़ा रिस्क कोई क्यों उठाएगा? तो इसके खामियाजे तो भुगतने पड़ेंगे, ये तो चिंगारी है। अभी आगे आगे देखिए होता क्या है। जिस तरह से तमाम जो अभी शुरुआत केवल बस और ट्रक ड्राइवरों ने की है, लेकिन टैक्सी चालकों की भी चिंता ये है, आप और हम जैसे लोग गाड़ी लेकर के बाहर निकलते हैं, हमारी भी चिंता यही है कि किसी की भी गलती से दुर्घटना हो गई। दुर्घटना एक दुर्घटना है, संयोग है, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी ऐसा तो कोई नहीं चाहता था कि कोई किसी को मारने के उद्देश्य से अपनी गाड़ी लेकर के घर से बाहर निकलता हो। लेकिन कानून ऐसा है कि अब शायद कोई गाड़ी को चलाने से पहले 10 बार सोचे। लेकिन इसका असर क्या होगा? मोदी सरकार शायद ये सोच रही है, अमित शाह शायद ये सोच रहे हैं कि ये केवल 80 लाख ड्राइवरों से जुड़ा मामला है। इस 1.25 करोड़ से ज़्यादा वाले देश की आबादी में 80 करोड़ रुपए, 80 लाख क्या होते हैं? लेकिन आप ध्यान रखिए, ये केवल 80 लाख नहीं है, यानी 1 करोड़ के आसपास ड्राइवर लोग नहीं हैं। हर ड्राइवर के पीछे 4-5 आदमी हैं, और ये लगभग 4 से 5 करोड़ आबादी का मामला भी नहीं है, जो सीधा सीधा जिससे ये ड्राइवर इफेक्ट होंगे इस कानून से डरे हुए, अगर वो अपना रोज़गार छोड़ते हैं तो। ये केवल 4-5 करोड़ लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट नहीं है, ये देश पर उससे भी बड़ा संकट है। सवाल है कि जो तेवर और जो तस्वीरें देश भर से आ रही हैं, और जिस तादाद में ड्राइवर ये काम को छोड़ करके किसी अन्य काम की तलाश में हैं, तो चिंता उन ट्रांसपोर्टरों की भी है कि उनका ट्रक कौन चलाएगा, उन स्कूल बस चालकों को भी है कि उनकी बस कौन चलाएगा, उनके बच्चे स्कूल में कैसे जाएंगे, उनकी ज़रूरी चीज़ें, सामान कैसे आएगा, दूध कैसे आएगा, सब्जी कैसे आएगा। यानी कि ये मसला केवल ड्राइवरों से जुड़ा मसला नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा मसला है। क्योंकि केवल 15-20 हज़ार रुपये की तनख्वाह को लेकर के कोई भी अपने जीवन का इतना बड़ा रिस्क तो शायद नहीं उठाएगा, और नहीं उसके परिवार वाले ये कहेंगे कि नहीं आप ड्राइवरी मत कीजिए, ड्राइवरी कीजिए, छोड़िए। हर ड्राइवर बस चलाने से इनकार कर देगा, टैक्सी चलाने से इनकार कर देगा, ट्रक चलाने से इनकार कर देगा। और जब इतनी बड़ी तादाद में ड्राइवरों की कमी हो जाएगी, तो आप सोचिए कि देश के अंदर जो सामान, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो कैसे चलेगा। हम और आप जो बसों में ड्यूटी जाते हैं, वो ड्यूटी कैसे जाएंगे? जिनके स्कूल के बच्चे बसों में जाते हैं, वो स्कूल कैसे जाएंगे? या फिर जो कार्यालय या अपने ऑफिस जाते हैं, उनके दिमाग में भी, उनमें उनको भी एक टेंशन होगी, चाहे भाई गलती किसी की भी हो, कम से कम 5 साल की सजा तो तय है। और अगर वहाँ पे रुके और आपको ये डर नहीं रहा कि भीड़ आपको मार देगी, और आप बिना बताए या देर से बता करके या उसको अस्पताल नहीं पहुँचाते हैं, तब ये सज़ा आपकी 7 साल हो जाएगी, तो शायद आप कार ड्राइव करना भी छोड़ दें। तो ये रुझान है आने वाले, और ये इतनी बड़ी तस्वीर है, इतनी बड़ी तस्वीर है कि अगर यही तेवर रहे, यही चिंता रही लोगों की, तो देश में ड्राइवरों का अकाल पड़ जाएगा। अगर मिलेंगे भी तो बहुत कीमत पे मिलेंगे, उसका असर भी महंगाई पर पड़ेगा, सामान की आवाजाही कम हो जाएगी, आपूर्ति में फर्क पड़ेगा इसका। तो आप समझिए कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट, असर पड़ने वाला है। ये शायद तस्वीर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को समझ में नहीं आ रही होगी, और अब चुनाव 2024 का बिल्कुल नज़दीक है,
कुछ ही समय शेष है, और अगर इस चुनाव में रहते इस कम समय में अगर उसको उस पर कोई निर्णय लेते भी हैं या रोकते भी हैं या इस तरह का कोई बयान भी देते हैं कि नहीं हमसे गलती हुई, हम इस पर पुनर्विचार करेंगे और इस कानून में संशोधन करेंगे, जैसा कि किसान आंदोलन के समय कहा था, भरोसा दिलाया गया था कि इस कानून में संशोधन करेंगे, मिल बैठ करके बात करो, लेकिन यहाँ तो ड्राइवर मिल बैठ करके बात करने को भी तैयार नहीं है। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये कानून वापस लो। एक सवाल और वो भी उठा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, एक आंकड़ों के अनुसार रोज 50,000 आदमी सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, देश भर का आंकड़ा इस तरह का कहा जाता है, एग्जैक्ट आंकड़े मेरे पास नहीं है, लेकिन जो सड़क हादसे बढ़ रहे हैं उन सड़क हादसों को रोकने के लिए शायद ये कानून लाया गया था। लेकिन क्या सड़क हादसों को रोकने का केवल यही एकमात्र तरीका है कि हजारों लाखों करोड़ों लोगों को के सामने तरह तरह के संकट खड़े कर दिए जाएं? किसी के सामने रोजी रोटी का संकट है तो किसी के सामने ये संकट है कि वो कार्यालय कैसे जाए, बस यातायात के साधन उसको उपलब्ध नहीं होंगे, किसी को ये संकट होगा कि दूध की आपूर्ति कैसे होगी, सब्जी और फल कहाँ से आएंगे। इन सब से अलग हट करके एक जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात है कि सरकार इस कानून पर तो छोड़िए उसने दिमाग नहीं लगाया, लेकिन सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया है? क्या जो शहरों की सड़कें या गांवों की सड़कें दुरुस्त हैं, क्या उनमें गड्ढे नहीं हैं, क्या यातायात के नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है, क्या बसें अपने लेन में चल रही हैं, क्या बस स्टाफ सब जगह उपलब्ध हैं? तो कहने का मतलब जो सरकार इंतजाम कर सकती है वो इंतजाम न के बराबर है। देश भर की हम बात करें तो अगर चुनिंदा नई दिल्ली साइड के इलाकों की हम बात करते हैं, हालांकि वहाँ भी ट्रैफिक नियमों का पालन तो वहाँ भी नहीं होता, बसों की किल्लत तो वहाँ भी होती है, ट्रैफिक नियमों के साथ साथ लापरवाहियाँ भी वहाँ भी होती हैं, उसको सुधारने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, सड़कों की व्यवस्था ठीक करने के लिए इस दिशा में कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? अगर सड़क के किसी गड्ढे की वजह से कोई दुर्घटना होती है, सपोज़ कि एक दुपहिया वाहन है, गड्ढे की वजह से स्लिप करके गिर जाता है और पीछे से जो बस आ रही है वो बस उसको रौंद देती है, गलती किसकी है? उस दुपहिया वाहन चालक की जो चल रहा था, सिर्फ सड़क पर गड्ढे होने की वजह से गिर गया, या उस बस ड्राइवर की या उस ट्रक चालक की जो अचानक उसके गिर जाने की वजह से ब्रेक नहीं लगा सका, क्योंकि जो हैवी वाहन होते हैं उनमें अचानक ब्रेक लगाना भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है, तो ऐसी सूरत में गलती किसकी? गलती उस सरकार की जिसने वो सड़क ठीक नहीं की, दुरुस्त नहीं की, जिसकी वजह से वो हादसा हुआ। तो ऐसे हादसों में जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? हालांकि सरकार ने तो और भी चौंकाने वाला इस कानून में उल्लेख किया है जिसमें गलती किसी की भी हो, पाँच साल तो सजा तय है, चाहे गलती आपकी हो ही ना। भाई ये कौन सा कानून है कि सड़क पर गड्ढा हो गया, नीचे आके गिर गया, मर गया, या कूद फांद करके अचानक कोई आदमी सामने आ गया, अंधेरे में कोई सामने आ गया, उसको 5 साल की? क्या वो ये इंटेंशन साथ में लेकर के चला था कि मुझे तो किसी को मारना है? क्या ड्राइवर इतने हैवान, इतने राक्षस हैं, क्या वो इसी को ध्यान में रख करके अपने वाहनों को लेकर निकलते हैं या बसें और ट्रक लेकर के निकलते हैं? तो थोड़ा सोचना चाहिए था, कानून बनाने से पहले कानूनविदों की राय लेनी चाहिए थी, और अगर आप राय लेते तो शायद ये मुसीबत नहीं आती। मुसीबत ये नहीं है कि आपको ये आगे चल के शायद ये कानून वापस लेने पड़े, अभी जो मुसीबत है वो 2024 का चुनाव है। देश भर के जो ड्राइवर हैं, चाहे वो टैक्सी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, आप और हम जैसे लोग हों, उनकी बहुत बड़ी चिंता है ये, और वो शायद ये महसूस कर रहे हैं कि सरकार ने अंग्रेज़ों के कानून बदलने की धुन में अचानक ये कानून लेकर के आई, थोड़ा सा भी दिमाग उसने नहीं लगाया। और अगर अब वो इस बात को महसूस करके इस निर्णय को वापस लेती है तो एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना मोदी सरकार को उठाना पड़ सकता है। एक बार बैकफुट पर किसान आंदोलन
किसानों ने उनको बैकफुट पर ला खड़ा किया था जब कृषि कानूनों को उन्हें वापस लेना पड़ा था। और आज कृषि कानून की बात ही नहीं कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, कृषि मंत्री, कोई किसान किसानों की बात नहीं कर रहा है, कृषि कानूनों की कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन अब क्योंकि 2024 में टाइम नहीं बचा, तो ऐसे में मोदी सरकार की सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी चिंता ये है कि न तो वो उगले, उसके लिए उगले बनेगा, न निगले बनेगा। ये जब सवाल सारे सरकार के सामने आएंगे, भैया आपकी अपनी व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हैं, इस तरह की दुर्घटनाएं न हो, उसके लिए आपने क्या किया, आपने सड़कें ठीक की, आपने ट्रैफिक नियमों को ठीक किया, ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन किया, वो ठीक किया, आप ज़रा किसी भी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में चले जाइए, क्या वह सब ठीक है? ड्राइवरों के इन सवालों का जवाब क्या है कि अगर वो वहाँ खड़े रहते हैं, अगर वो भीड़ उन्हें मार देती है, तो इसका जिम्मेदार कौन? सरकार तो ये कहकर के पीछे हट जाएगी, पुलिस तो ये कहकर के पीछे हट जाएगी कि जी भीड़ ने मार दिया, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, कोई शिनाख्त नहीं होती। ऐसे कितने मामले में मॉब लिंचिंग के हो, या जिसको भी भीड़ ने पीट पीट के मार डाला हो, कितने मामलों में सजा हुई है। तो क्या सरकार को ये ध्यान में नहीं रखना चाहिए था कि अगर ड्राइवर के साथ कोई इस तरह का हादसा होता है, वो दुर्घटना के बाद वहाँ खड़ा होके उसको अस्पताल ले जाने के लिए तैयार होता है, या वो पुलिस को सूचना करना जरूरी समझता है और वहाँ मौके पे खड़ा होता है, और अगर उसको भीड़ मार देती है, जैसा कि अक्सर होता भी है, और यही डर है जिसकी वजह से ड्राइवर मौके से फरार हो जाते हैं और पुलिस उसको हिट एंड रन का केस मामला बना देती है। क्या कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाना चाहिए था कि इस तरह की मॉब लिंचिंग अगर होती है, और खाली मॉब लिंचिंग दुर्घटना के मामले में ही क्यों, तमाम देश के बड़े हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें सामने देखने को आती है कि भीड़ किस तरह से लोगों को पीट पीट के मार डालती है। लेकिन क्या ड्राइवर इतना हैवान है कि उसको पीट पीट के मार दिया जाए? क्या वो दुर्घटना उसने जानबूझ के की है? फिर वही सवाल आता है कि क्या वो लोगों को मारने के लिए मैदान में निकलता है, सड़कों पर निकलता है? तो क्यों नहीं सरकार ने उस भीड़ के लिए भी ऐसा कोई कानून बनाया और उसका जोर शोर से प्रचार होता कि अगर ड्राइवर से कोई हादसा होता है और ड्राइवर वहाँ खड़े होता है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसके साथ कोई हिंसा नहीं करेगा, और अगर कोई हिंसा करता है तो उतनी ही सजा उसको मिलेगी या सख्त सजा का प्रावधान उसमें होता। अगर ऐसा होता तो शायद ड्राइवरों में कुछ हिम्मत आती और वो जो सरकार चाहती है वो करते कि अगर दुर्घटना होती है तो वो पुलिस को भी सूचित करते, शायद वो घायल को अस्पताल में लेकर के जाते। लेकिन पुलिस इस तरह के मामलों में जिस तरह से रवैया अपनाती है, उसी रवैये ने ड्राइवरों को मजबूर किया कि वो ऐसे मामलों में, दुर्घटना के मामले में निकल भागे, या तो वो नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जाएंगे या फिर अपनी पहचान छुपाएंगे, क्योंकि उसके बाद जो उनके साथ होता है ये एक बहुत बड़ा डर है। तो अब तक तो 2 साल की सजा का प्रावधान था, जुर्माने का प्रावधान था, 6 महीने तक की लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला था तो 6 महीने तक की कैद का प्रावधान था। लेकिन अब ये सज़ा बढ़ करके इतनी हो जाए कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, उसके परिवार की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, तो भाई 15-20 हज़ार रुपये में कौन अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाएगा? और जब देश में ड्राइवर ही नहीं होंगे या नाम मात्र के होंगे, तो समझिए देश का पहिया कैसे चलेगा, देश की अर्थव्यवस्था का पहिया कैसे चलेगा, जीवन चक्र कैसे चलेगा। और इसका असर आप समझते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीज़ों पर पड़ेगा। अभी तो मोदी सरकार व्यस्त है, कुछ चुनावों की तैयारियों में व्यस्त है, कुछ 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का मंदिर है, वो उसका उद्घाटन होना है। लेकिन कोई तो हो जो इस पर चर्चा करे, सोचे कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। क्या उसी तरह छीछा लेदर होगी जिस तरह से किसान आंदोलन के दबाव में आकर के सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े थे? तो अगर ऐसा ही रहा तो यकीन मानिए ये मोदी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत होगी, और ख़ासकर तब
जब 2024 का चुनाव सामने है, जब पूरी अर्थव्यवस्था और मांग और आपूर्ति का पहिया जब डगमगा जाएगा, तब समझ में आएगा कि कितनी बड़ी गलती हुई। और ये गलती कहीं मोदी सरकार को 2024 के चुनाव में भारी न पड़ जाए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।